ब्लेसिंग्स, बी हैप्पी, कीप हैप्पी, खुश रहें, खुश रखें। पितृपक्ष का समय चल रहा है, हर एक इंसान अपने पितरों की कृतज्ञता में श्राद्ध तर्पण का आयोजन करता जा रहा है या उसका माध्यम बन रहा है। साथियों, आज मैं आपसे तर्पण विद्या के बारे में बात करने आया हूं। सामान्यतः जो लोग परिचित नहीं है, उन पेपर में पढ़ते होंगे आज तर्पण हुआ, यहां पर तर्पण हुआ, व्हाट इज द तर्पण, ये तर्पण है क्या और इसको हम बगैर पंडित के अपने आप कैसे करें। सामान्यतः हम अधीन रहते हैं उस ज्ञानवान पंडित के जो आकर हमसे विभिन्न विधि कराता है और हम जस्ट लाइक ए रोबोट वी फॉलो इट। बट अगर कोई ऐसी तकनीक मिले जो हम स्वयं अपने आप से जुड़ के अपने लिए करें, तो वो मेरा मानना है फायदेमंद होगी। तो आइए आज मैं आपसे बात करता हूं तर्पण मेडिटेशन की। तर्पण में सामान्यतः तीनों प्रकार के ऋणों का भुगतान किया जाता है जल समर्पण के द्वारा। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण हम जो ऑफर करते हैं कृतज्ञता का, वो अपने जल को ऐसे हाथ रख के करते हैं। उसके बाद दूसरी बार हम ऋषियों के प्रति, हम एक पात्र के रूप में लेकर ये पात्र में खाली कर देते हैं नीचे, जिस प्रकार ऋषियों का पात्र ऋषि भी रहे, ये पात्र को खाली कर देता है सेकंड टाइम में। एंड व्हेन वी पे ग्रेटिट्यूड टू अवर एंसेस्टर्स, जब हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तब हम पानी को, पात्र को एक अंगूठे के सहारे छोड़ते हैं, राइट। तो वह पंडित जो आपके आता तर्पण कराने, वह आपके घर के सभी सदस्यों के नाम जो इस धरती पर नहीं है, आपके पिता पक्ष के, आपके माता पक्ष के, समस्त लोगों के नाम लेता है। और हम भी प्रयास करते हैं उन नामों को याद करने का। नाम यही नाम याद भी नहीं रहता तो गंगा, जमुना, सरस्वती, राम, कुछ भी हम याद करके पंडित हमें फॉलो करवाता है। साथियों, नया दौर है। आज के इस दौर में हमें हर चीज नए परिवेश में प्रस्तुत करना जरूरी है, तभी हमारे युवा इसको स्वीकार करेंगे। तो साथियों, एक छोटा सा मैंने एक तर्पण मेडिटेशन इन्वेंट किया है 5 मिनट्स का। इसमें हम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठेंगे, अभी तो आप आंखें खुली रखें, और ये दोनों हाथ यहां पर रखकर, और एक पास में एक जल का, पानी का पात्र जिसमें जल भरा हो वो रखेंगे, और उसके बाद आंखें बंद करके हम जिसको भी अपने जीवन में मानते हैं उसका ध्यान करें। अपने घर के मंदिर का ध्यान करेंगे, उस सूर्य देवता का ध्यान करेंगे जो इस धरती पर हमको जीवन, इसके बगैर असंभव है। उसके बाद हम ध्यान करने के बाद हम सर्वप्रथम ऋण चुकाने की क्षणी में, मतलब तर्पण की श्रृंखला में, सर्वप्रथम हम देवों के प्रति कृतज्ञता का जल अर्पित करेंगे कल्पना में। तो अब ऐसे नमस्कार मुद्रा में बैठें और आंखें बंद करके जो भी आपका नाम है उसको याद करेंगे। इस 5 तत्व के शरीर को, फिर अपने नाम को, याद कर इस धरती पर जितने भी देवी देवता हैं, आपका इष्ट है, समस्त लोगों को याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण भगवान, राम भगवान, जितने भी भगवान है, इवन दोज आर मुस्लिम, दे कैन थिंक अबाउट देयर ओन रिलीजन, देयर गॉड। समस्त देवी देवताओं का ध्यान करके पूर्णता, जब पूर्णता हो जाए सभी भगवानों को याद करें। छोटे भैरू बाबा हो गए, हनुमान जी, जिसको आप मानते हैं, जिसको ज्यादा मानते हैं, अगर कोई ज्यादा नहीं आने, याद करने पर भी नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दें। और ये दोनों हाथों को इस तरह करके कृतज्ञता का जल, जो भी परेशानी या तनाव है वो भी समर्पित करें इस जल में। और पुनः नमस्कार मुद्रा में आकर बैठे।
हम समस्त ऋषियों का द प्लैनेट्स द सेवन प्लैनेट रिप्रेजेंट बाय द सेवन ऋषिज इवन यू प्लैनेट्स यू कैन प्रे फॉर द प्लैनेट्स उन ग्रहों का उन ऋषियों का कर्तव्य करेंगे जिन्होंने सुंदर ज्ञान हमें दिया जिन्होंने औषधि एस्ट्रोलॉजी इन सबसे अवगत हमें कराया उसकी कृतज्ञता व्रत करें क्योंकि वह एक ऋण है हमारे ऊपर वो ऋण कृतज्ञता से इतनी जल्दी उतरता है उतना किसी भी विद्या से नहीं कर्तव्य उन सब ऋषियों के कर्तव्य उन समस्त ग्रहों के जो समय समय पर आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं उसी प्रकार जब पूर्णता का एहसास हो तो अपने हाथ एक पात्र के रूप में रख लें ये कल्पना करें इस हाथ में जल है एंड जस्ट रिलीज द वॉटर फ्रॉम डाउन साइड इसको नीचे छोड़ एक बार और याद करें समस्त पूर्णता ना आए तो दूसरी बार फिर समस्त ऋषियों का ज्ञान का इवन औषधि धन्वंतरी जी को याद नहीं कर सकते आप धन्वंतरी भगवान को तो औषधि के लिए आप जो भी आपको मेडिकल शॉप हो जो हॉस्पिटल हो जो आपको डॉक्टर हो उसको प्रणाम करें और जल ऐसे चढ़ तीन बार इस प्रकार पुनः नमस्कार मुद्रा में अपने आप को लेकर आए अब हम अपने पितृ ऋण की कृतज्ञता बरतेंगे सर्वप्रथम हमारे पिता का परिवार पिता दादा चाचा जो जो हमारे पिता के परिवार में है उन सबको याद करेंगे जो इस धरती पर नहीं है समस्त पितरों पापा अगर हैं नहीं है तो चाचे दादा चाचा बाबा जो भी है वो उनके साथ बिताए गए पल को याद करेंगे अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो उससे माफी मांगें और दोनों हाथों को ऐसा करके पात्र की मुद्रा में ऐसा जल को थंब के सहारे अंगूठे के सहारे कल्पना में ही छोड़ेंगे दूसरी बार अपने मातृ पक्ष का ध्यान करेंगे माता नानी नाना दादी नानी नाना मासी मामा समस्त लोगों का ध्यान करेंगे मां पक्ष का ध्यान करने के बाद आप पुनः ऐसे थंब के सहारे छोड़ देंगे और कोई भाई बहन कोई भी आपका ऐसा लगता है जो आपसे जुड़ा हो इस धरती पर और अचानक चले गया वो पांच तत्व का शरीर उस शरीर को प्रणाम करते हुए उसके साथ बिताए गए समय को प्रणाम करते हुए उनको याद करें कोई मित्र दोस्त आपका जो अनायास चले गया हो बीच में उसको भी याद करें और जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं आदर योर फ्रेंड आदर योर फ्रेंड आदर योर फैमिली मेंबर अगेन एंड जस्ट थिंक फॉर योर स्पिरिचुअल मेंटर अगर आपको कोई गुरु है जो शरीर से नहीं है यहाँ पर उनको प्रति भी ध्यान रखेंगे धीरे से अपना ध्यान उसी प्रकार करते हुए और जो अज्ञात लोग हैं जिनका आज इस धरती पर कोई नहीं है और मृत आत्माओं के लिए ऊपर है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे अज्ञात तर्पण और उसके बाद पुनः इस अंगूठे के सारे जल छोड़ देंगे हाथ बंद करके बैठ जाएंगे अंगूठे पर रख लेंगे पुनः अपने नाम को याद करेंगे जो भी आपका नाम है अपने डेट ऑफ बर्थ को याद करेंगे अपने शरीर को याद कर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और एक पानी का ग्लास भरा हुआ होगा पास में आपके उसके ऊपर एक हाथ ऐसा रख के पानी का सेवन करेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे साथियों ये मेरा प्रयास है समथिंग इज बेटर देन नथिंग इसके माध्यम से मैंने आपको एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार एक मानस पूजा होती है उसी प्रकार एक मानस तर्पण भी होता है हम
ये तीनों ऋण की अदायगी एक कर्तव्यता के रूप में इस प्रकार बरत के हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ नहीं, पर भाव है। आंखें बंद करके मेडिटेशन करें आप, और ऐसा लगता है कि आपको इसको डीप मेडिटेशन करना है तो यू कैन लॉग ऑन माय साइट divineastrohealing.com either krishnaguruji.com either you can whatsapp me and I take the sessions every Saturday 8:30 को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें इसी प्रकार ज्ञान संहिता में जो हमने बताया हमारे आध्यात्मिक आरतियों को, पूजाओं, पाठ को हम कैसे एक मानव तत्व, मानव सेवा से जुड़े, किस प्रकार अपने आप से जुड़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। आप सब लोगों ने मुझे समय दिया, आपके समय को प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि वाकई आप लोग भी इसको करें और अलौकिक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करें। खुश रहें, खुश रहें।